हाय एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ एकदम अच्छे होंगे और मस्त होंगे और टेस्टी टेस्टी खाना खाते होंगे, ठंडियों में अपना सर्दियों का एंजॉय करते होंगे रेसिपी के साथ। तो नीलू स्वीट किचन में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ दोस्तों। और ये देखिए, आज बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही गजब की मैं आज पनीर रेसिपी आपको लेके आई हूँ। ये मलाई पनीर बहुत आप सबको पसंद आएगी और इसका बनाने का मतलब ऐसे मैं बताई हूँ आपको कि मतलब आप इस तरीके से बनाओगे तो होटल ढाबा और हलवाई जैसे पनीर नहीं, उससे भी बेहतर पनीर आप बना सकते हो और घर वाले तारीफ़ ही करने से नहीं चुकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सारा सामान इंग्रेडिएंट्स मैंने निकाल के रखा है। ये देखिए, सबसे पहले मैं दिखाऊंगी, ये खोआ है, खोआ दही का खोआ है। आप सोचोगे दही का खोआ कैसे, जिसे हम श्रीखंड बनाते हैं और दही को अच्छे से निचोड़ के कपड़े में रखते हैं, तो वही मैं रखी हूँ। ये 2 चम्मच लगभग है दही का खोआ। और यहाँ पर मैंने लिया है का जीरा पाउडर, ये धनिया पाउडर और ये हल्दी पाउडर, और ये लिया है दोस्तों मैं ब्लैक पेपर कुटा हुआ, और यहाँ पे हरी मिर्च मैंने कट किया है, ये लंबे लंबे टुकड़े में अदरक का कट की हूँ, जिसके मुंह में मतलब जाए, बच्चों को अगर नहीं पसंद है तो ताकि निकाल सके अच्छे से। और दोस्तों ये देखिए, पनीर मसाला मैंने लिया, यहाँ पर मलाई मैंने 2 से 3 चम्मच लिया है, घर का फ्रेश दूध के ऊपर की जो सड़ी मलाई होती वही, ये घर का ही पनीर है मेरे। मैं वजन से नहीं बता पाऊँगी, बट आपके पास जितना हो आप वो यूज कर सकते हो। वजन में क्या रखा है दोस्तों, जैसे कि आपकी फैमिली जितनी बड़ी है छोटी है, मैं अपने हिसाब से बता दूंगी तो आपको वो फ़ायदा नहीं होने वाला। यहाँ पे प्याज लिया है, टमाटर लिया है, मटर लिया है, तो दोस्तों ये सारे सामान, और लहसुन अभी बाकी है, लहसुन छील के मैंने रखा है, दिखाया नहीं है। अब चलिए दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए मेरा सारा सामान रेडी है दोस्तों, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये लहसुन मैंने छील के ग्राइंड जार में डालूंगी, और ग्राइंड जार में डालने के साथ साथ लहसुन के साथ साथ मैं डालूंगी थोड़ी सी, यानी कि 1 कटी हुई प्याज, और 1 से 1.5-2 भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे प्याज और ये दही का खोआ, यानी जो दही का पानी बिल्कुल भी निथार दिया है मैंने, इसका मतलब आप ऐसे खोइया जैसे बना सकते हो, जैसे कि आप श्रीखंड बनाते हो ना, तो सेम वही प्रोसेस मैंने किया है। तो इसका मतलब बिल्कुल खट्टापन या जो भी पानी रहेगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर अदरक और 1 मिर्चा मैंने लिया है, इसको ग्राइंड कर ले रही हूँ ग्राइंड जार में। तो यहाँ पर चलिए कढ़ाही में डालते हैं सबसे पहले तेल, और ये मस्टर्ड ऑयल में मैं बना रही हूँ, क्योंकि कोई भी सब्जी मस्टर्ड ऑयल यानी रिफाइंड ऑयल से भी बेटर मुझे लगता है सरसों का तेल होता है, और ठंडियों में तो सरसों का तेल वैसे भी यूज करना चाहिए दोस्तों। तो मेरे फ्रेंड्स बनाइएगा इस तरीके से। यहाँ मैंने डाल दिया है साबुत जीरा तेल में, फिर हरी मिर्चें, और ये पनीर तो आप बहुत खाए होंगे, बहुत बनाए होंगे, मैंने भी आगे भी पनीर मैंने बनाया है, दिखाया है आपको। यहाँ पर खड़े मसाले जो मैंने लिया था आपको बताना भूल गए, तो खड़े मसाले में था लौंग 2 इलायची और 3 ब्लैक पेपर और 1 तेज़पत्ता और दालचीनी में 1 टुकड़ा था, और यहाँ पे मैंने खड़े वाले वही जो स्लाइस करके अदरक रखे थे वो डाल दिए। खड़े मसाले आप ज़रूर डालिएगा, गरम मसाले आप चुटकी भर डालना चलेगा, लेकिन खड़े मसाले ज़रूर डालना। और यहाँ पे स्लाइस किया हुआ लंबे लंबे मैंने प्याज 1 लिया था, या मतलब अब मैं थोड़ी क्वान्टिटी में बना रही हूँ, आप ज़्यादा क्वान्टिटी में बना 2 से 3 कर सकते हो। यहाँ पर 1/2 कटोरी मैंने मटर लिया था, लगभग ये 100 ग्राम के लगभग होगा, आप और ज़्यादा कर सकते हो मैंने कहा। और ये देखिए, जो मैंने ग्राइंड जार में अभी पीसा था दही का खोइया, यानी दही का जो पल्प था, और टमाटर और अदरक मिर्चा लहसुन मैंने पीसा था ना, वो मैंने डाल दिया है उठाकर। दही को इसमें पीसने का फ़ायदा ये होता है कि दही आपके अगर गैस बंद नहीं चालू ही रहेगा तब भी दही आपकी फटेगी नहीं, अगर हम मसाले में कोडिंग करे रहेंगे दही को तो। और जो सूखे मसाले थे दोस्तों, हल्दी धनिया मिर्चा और जो भी थे, तो वो मैंने डाल दिया है इससे मसाले में। और दही वाला मसाला मैं धीमी आंच पे भूनूंगी 4 से 5 मिनट तक, तो और गैस का आंच स्लो रहे। अगर आपको लग रहा है मेरी दही फटने वाली है तो आप गैस ऑफ ही कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने ये कर दिया, अब डालते हैं पनीर मसाला चुटकी भर, अगर आपके पास हो तो डालिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, अवॉइड भी कर सकते हैं।
तो इस तरीके से दोस्तों आप बनाएंगे पनीर ना, तो बहुत ही मटर पनीर आपकी लाजवाब होने वाली है। मटर मलाई पनीर बनाने का रेसिपी और इसो तो बहुत ही देखे होंगे, लेकिन ये देखिए मैंने तड़का लगाया है दूध में। ये मैंने आधा कप दूध लिया है और इसी को उठाकर मैं इस दूध में डाल रही हूँ। ये इसको बोलते हैं तड़का, मतलब दूध में दूध का तड़का। तो मैं डायरेक्ट दूध इसी में नहीं डालना है, क्यों नहीं तो हो सकता है फट जाए, तो क्योंकि मैंने दही भी यूज किया है। तो अगर इनमें से आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है तो अवॉइड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दूध ऐसे डालने से मतलब इसकी ग्रेवी गजब की खुशबू आती है और अलग ही स्ट्रक्चर हो जाता है। और ये मतलब आपको डायरेक्ट इतना ध्यान दीजिएगा कि आपको डायरेक्ट ठंडा दूध ही इसमें नहीं डालना है, हल्का सा कुनकुना रहेगा तो चलेगा, लेकिन फिर भी आप यही मसाला उठा के उस दूध में डाल दीजिए ताकि टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। फिर आप इस पनीर में मतलब मसाले कढ़ाई में डालेंगे तो ये फटेगा नहीं, बहुत अच्छी ग्रेवी और बहुत अच्छी खुशबू के साथ ये आपके मसाले रिसू तैयार हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए मैंने दो से तीन चम्मच फ्रेश मलाई घर की थी, मैंने वो डाल दिया है। तो इससे क्या होता है, शाइन बहुत ज़्यादा आएगा और मलाई डालने का तो आप नतीजा जानते ही हो कितना उभर के आता है, कोई भी रेसिपी में डाल दो। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा मैंने मलाई डाल दिया है और ये देखिए यहाँ पे फिर मैंने मिर्चा पाउडर नहीं डाला था, तो ये आधा चम्मच मैंने मिर्ची पाउडर डाल दिया है। तो यहाँ पे मेरा मैंने 3 से 4 मिनट फिर मैंने धीमी आँच पे भुना दोस्तों, फिर मैंने गर्म पानी यानी खौलता हुआ पानी डाल दिया। 2 मिनट पानी मैंने अच्छे से खौलाया, उसके बाद नमक डाला। और ये देखिए आपको मतलब मैं ढक के 2 मिनट तक पकाया था ताकि मटर अच्छे से पक जाए। और दोस्तों मैंने मटर डाला था, आपने देखा स्किप हो गया था थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब मेरा पानी जब खौलने लगा है लास्ट में, तो मैंने 2 से 3 मिनट पानी अच्छे से खौलाया और मतलब पूरे मसाले के साथ उसके बाद पनीर ऊपर से डाल दिया है। पनीर डालने के बाद आपको 2 से 3 मिनट बस पकाना है और आपकी ये मटर मलाई पनीर बनके रेडी हो गया है। यहाँ पे देखिएगा ये मेन तड़का दूध वाला, बहुत ही गजब की फ्लेवर आ रही है इस टाइम, इस तरीके से खुशबूदार। और हाँ दोस्तों, मैंने थोड़ा डार्क रखा है, आप थोड़ा लाइट भी रख सकते हैं, यानी कि मैंने थोड़ा गाढ़ा रखा है, आप थोड़ा हल्का रखिएगा, क्योंकि ना ये बनने के बाद रखने के बाद जैसे निमोना या कोई चीज़ ऐसे कढ़ी गाढ़ी हो जाती है, सेम ये दही और दूध का प्रयोग हुआ है इसीलिए ये बहुत ही गाढ़ी हो गई थी। तो आप मतलब बहुत ही पतला रखना ताकि एक घंटे के बाद आप देखोगे तो सेम इसी स्ट्रक्चर में पाओगे आप, जैसे आप कटोरी में देख रहे हो। तो यहाँ पे देखिए मटर मलाई पनीर मेरा कैसा आपको लगा, और खाने में तो बहुत ही मतलब मेरी एक बेटी है तो वो बहुत सामान पसंद नहीं करती, मतलब उसको चुनिंदा सामान चाहिए खाने को, लेकिन इतना वाह वाह कर रही थी ना तो मुझे लगा मेरा मेहनत सफल हो गया। और दोस्तों ये मटर मलाई पनीर आप सबको जरूर पसंद आएगी, इस तरीके से बनाइएगा। ठंडी में आ गए हैं फ्रेश मटर और पनीर, घर पे बनाइए, बाहर से लाइए तो बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मेरी मेहनत का फल आप अपने लाइक के द्वारा कमेंट द्वारा दे सकते हैं, तो बहुत ही आभारी रहूँगी आपकी। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।